जीवन में धन संपत्ति सभी लोग चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति रहे, परंतु क्या ऐसा संभव हो पाता है? जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो मध्यमा मिडिल फिंगर के नीचे का यह क्षेत्र, शनि का क्षेत्र हमें अवश्य देखनी चाहिए। शनि ही कर्म का क्षेत्र है। आपके कर्म जैसे होंगे, आपके पास धन संपत्ति उसी अनुपात में आएगी। यह भाग्य का क्षेत्र भी कहलाता है। हमारी भाग्य रेखा इसी क्षेत्र पर पहुंचती है। शनि पर्वत का क्षेत्र कैसा है आपकी हथेली में? क्या ये शुभ अवस्था में है? शनि पर्वत शुभ अवस्था में हो, अर्थात यहाँ पर कोई गड्ढा ना हो, दबाव हुआ स्थान ना हो, निगेटिव रेखा ना हो, गलत चिन्ह रेखा जाल ना हो, तो ऐसे अवस्था में शनि शुभ मानी जाती है। शनि पर्वत शुभ है, ऐसे व्यक्ति अपने धुन के पक्के होते हैं, अपने कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, शांत होकर चुपचाप वे में काम करना इनकी प्रवृत्ति होती है, गुप्त रूप से वर्क करना ये शनि देता है। तो शनि पर्वत वर्क के लिए अति महत्वपूर्ण है। और हमारे शनि पर्वत पर यदि एक रेखा उत्पन्न हो तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति अवश्य रहेगा। विशेषकर उम्र के कैलकुलेशन में हम देखें, ये हमारी हृदय रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हमारी है लाइफ लाइन। शनि पर्वत पर इतनी छोटी सी रेखा, अर्थात आपकी 55 वर्ष के बाद आपके लाइफ में धन संपत्ति हमेशा रहेगा। शनि पर्वत पर इतनी लंबी सी रेखा मस्तिष्क रेखा तक, अर्थात 36वें वर्ष के बाद आपका भाग्योदय होगा और धन संपत्ति से परिपूर्णता रहेगी। यदि शनि पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई रेखा नहीं है, ये स्थान बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पर पर्वत का उभार भी शुभ नहीं है, तो ऐसे अवस्था में ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति की कमी हो जाती है। विशेषकर उम्र के दूसरे भाग में ऐसे व्यक्ति को धन संबंधी समस्या से जूझना पड़ता है। जिनके शनि पर्वत पर किसी प्रकार का कोई रेखा ना हो, अर्थात कहीं ना कहीं संकट का सामना धन संबंधी वित्त के संबंध में करना पड़ेगा। शनि महत्वपूर्ण है। शनि पर्वत पर कई प्रकार के शुभ एवं अशुभ चिन्ह होते हैं। भाग्य रेखा यदि स्पष्ट रूप से शनि पर पहुंच रही है निर्बाध रूप से, तो इसका अर्थ है कि आपकी भाग्य रेखा लंबी है, अर्थात बचपन से आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रही है। यह है शनि पर्वत। साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि आपकी शनि की उंगली की अवस्था क्या है। ये फिंगर स्पष्ट हो, क्लियर हो, सीधी हो, पुष्ट हो, तो ये पूर्ण लाभ इसकी पर्वत देते हैं। फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हो, गांठदार हो, तो धन संबंधी समस्या होने की संभावना बनी रहती है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।